500 और 1000 के नोट के बाद अब सरकार की नजर आपके बैंक लॉकर्स पर है। जी हाँ, सही सुना आपने। सरकार ने अब बैंक लॉकर्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी मुसीबतें बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार अब बैंक लॉकर्स का इस्तेमाल करने वालों से भी पहचान पत्र लिया जाएगा। सरकार यह कदम काले धन पर लगाम लगाने के लिए उठा रही है। दरअसल सरकार को ऐसा लगता है कि लोग सोना चांदी छिपाकर इसे बैंक के लॉकर्स में जमा करते हैं, क्योंकि लॉकर्स में क्या रखा गया इसकी जानकारी बैंक को नहीं होती और ये पूरी तरह निजी होता है। ऐसे में सरकार ने अंदेशा जताते हुए लॉकर्स का इस्तेमाल करने वालों से आईडी मांगने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना पहला टीवी संबोधन करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। नोटबंदी के ऐलान के बाद ही कालेधन को सफेद करने के लिए लोगों में सोना खरीदने की जबरदस्त होड़ लग गई। लोग 500 और 1000 के नोट लेकर गहनों की स्थानीय दुकानों पर पहुंच गए। लोगों ने 500 और 1000 के नोट को खपाने के लिए सोने के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। आलम यह हो गया कि कई जगहों पर पूरी की पूरी दुकानें ही खाली हो गई, जिसके बाद बड़े नोटों की अदला बदली का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग ने अभियान छेड़ दिया। इनकम टैक्स विभाग ने 67 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके विरोध में दिल्ली का सर्राफा बाजार एक दिन के लिए बंद रहा। तो साफ है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त हो गई है और अब सरकार की पैनी निगाहें आपके लॉकर्स पर भी है। और सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी संभव है कि सरकार आपके लॉकर्स में सेंधमारी करे, लेकिन यहाँ सिर्फ बेईमान लोगों को डरने की जरूरत होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।